तो क्या हाल चाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेट्रो गेमिंग में। और ये वीडियो जो होने वाली है वो इंटेल के लेटेस्ट 13 जनरेशन के प्रोसेसर जो आए हैं ये उसके बारे में है। क्या हमें अपने पुराने प्रोसेसर को अपग्रेड करने की ज़रूरत है इंटेल के नए 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ, तो आइए हम इस वीडियो में उसको देखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसा हो रहा है कि यहाँ पे 13 जनरेशन जो प्रोसेसर आया है इसके अंदर हमको बहुत सारे कोर्स देखने मिलते हैं। इसमें हमको एक्चुअल कोर देखने मिलेगा और प्लस हमको एफिशिएंट कोर देखने मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। इसमें कैश मेमोरी भी हमको ज़्यादा मिलेगी, जो कैश मेमोरी क्या काम आती है वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो आगे की जो वीडियो होगी वो मैं आपको ऑब्वियसली मैं कंपैरिजन वाली बता रहा हूँ, और जो कंपैरिजन होगा वो इंटेल के प्रोसेसर जो है वो 8 जनरेशन के साथ करेंगे हम, ना कि हम 10 जनरेशन के साथ करेंगे। 10 जनरेशन में जो प्रोसेसर है वो काफ़ी पावरफुल है और उसको हमको अपग्रेड करने की ज़रूरत अभी तो नहीं है हाल फिलहाल, बट अगर हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है तो हम 13 जनरेशन में अपग्रेड कर सकते हैं। और आइए चलिए देखते हैं क्या है हमारा 13 जनरेशन प्रोसेसर और हम कंपेयर करेंगे इसको 8 जनरेशन के साथ। तो प्लीज़ कंटिन्यू द वीडियो। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, अभी हमने एक ब्राउज़र में गूगल ओपन कर लिया है। गूगल में हम डालेंगे इंटेल आर्क, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंटेल की जिसमें हमको प्रोसेसर के बारे में पता चलता है, मतलब हम प्रोसेसर की जो डिटेल्स है वो ले सकते हैं। तो इसमें हम i5 प्रोसेसर सर्च करते हैं और यहाँ पे i5 8 सीरीज़ का हम प्रोसेसर सर्च करेंगे, मतलब 8 जनरेशन प्रोसेसर सर्च करेंगे। 8500 ये हमें 8500 प्रोसेसर दिखा रहा है और इसमें हम ये जो ये वाला प्रोसेसर है हम इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर देखिए अभी हमको जो डिटेल्स मिल रही है वो टोटल नंबर्स ऑफ कोर्स, यहाँ पे हमको 6 दिखा रहा है। टोटल नंबर्स ऑफ थ्रेड जो है वो हमें वो भी 6 दिखा रहा है, और टर्बो बूस्ट करके जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो 4.10 GHz पे जाएगी, और जो बेस फ्रिक्वेंसी है वो जा रही है हमारी 3.0 GHz। ठीक है, तो अभी हम एड टू कंपेयर करते हैं और यहाँ पे दूसरा हम 13 जनरेशन के लिए देखेंगे। तो इधर भी हम इंटेल का i5 ही सर्च करेंगे क्योंकि i5 का कंपेरिजन i5 से ही होगा। तो 13 जनरेशन में 13 आएगा। 00 सीरीज सर्च करते हैं हम इधर भी। तो यहाँ पे हम जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसर आते हैं, तो हमारा सीधा सीधा कंपैरिजन जो रहेगा वो एच या फिर ये जो नॉर्मल वाला है हम इससे कंपेयर कर लेते। अब इसके अंदर यहाँ पे हम ऐड कर लेते कंपैरिजन और यहाँ पे हम कंपेयर टू को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमको देखो क्या क्या प्रोसेसर में डिफरेंस देखने मिलता है। दोनों ही मैं जो सेगमेंट सर्च कर रहा था वो डेस्कटॉप के लिए, ये लैपटॉप वाला प्रोसेसर नहीं है। लैपटॉप में जो प्रोसेसर आता है वो यहाँ पे साइड में एच लिखा हुआ रहता है, सॉरी यहाँ पे एच लिखा हुआ रहेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टर्बो बूस्ट करके हमारे को जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस मिलेगा वो ये है। हाँ, यहाँ पे हमको टोटल नंबर्स ऑफ कोर्स जो है वो यहाँ पे 6 दिखा रहा है 8 जनरेशन में, और 13 में हमको जो दिखा रहा है वो 14 दिखा रहा है, और टोटल नंबर्स ऑफ थ्रेड इसमें 6 दिखा रहा है, इसमें 20 दिखा रहा है। और यहाँ पे कैशे मेमोरी जो हमको वो ह्यूज डिफरेंस देखने मिलेगा। यहाँ पे हमको 9 MB का कैशे मेमोरी है और यहाँ पे हमको 24 MB का कैशे मेमोरी दिखता है। और अगर हम TDP की बात करें तो दोनों भी 65 वॉट्स पे चलते हैं। ये 13 जनरेशन वाला थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम सेकंड पेज में ओपन करते हैं। सेकंड पेज में आपको ओपन करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस स्कोर है ये दिखाने का मतलब था मेरे को। तो यहाँ पे हमको जो परफॉर्मेंस स्कोर मिल रहा है वो 6 ही मिल रहा है, और एफिशिएंट कोर जो मिल रहा है वो 8 मिल रहा है, इसलिए हमारे को जो वहाँ पे जो टोटल नंबर्स ऑफ कोर दिखा रहा है वो 14 है। तो ये एफिशिएंट कोर क्या होता है? एफिशिएंट कोर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे अगर हम देखते हैं, हम इधर राइट क्लिक करते हैं, टास्क मैनेजर में जाते हैं, टास्क मैनेजर में हमारी ये जो बैकग्राउंड की सर्विसेज है, जैसे यहाँ पे मेरी 86 सर्विसेज चल रही है जिसमें कि एनी डेस्क है और बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स जो है और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो मुझे पता नहीं बट बैकग्राउंड में विंडोज़ की चलते रहती है, गूगल का क्रैश हैंडलर है, बहुत सारी चीज़ें हैं
जो चलते रहती है। तो ये क्या होगा, ये अभी मेरे जो प्रोसेसर है, जैसे मेरे पास i5 10th जनरेशन है जिसमें मेरे को 6 कोर मिल रहा है, तो यहाँ पे जो 6 कोर के अंदर ही ये सारी की सारी चीजें रन हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रन हो रही है, बट यहाँ पे ये चीज 13th जनरेशन में कैसा होगा कि ये जो 8 कोर आपको मिल रहा है ना, तो यहाँ पे आपका जो 8 कोर के अंदर ये सारी सर्विसेज रन होगी, जो यहाँ पे बैकग्राउंड सर्विसेज दिखा रही है ये सारी उसके अंदर सर्च होगी, उसके अंदर सॉरी रन करेगी, और हमको प्योर 6 कोर यूज करने मिलता है। तो यहाँ पे हमको एक चीज का बेनिफिट मिलेगा ये कि हमको जो कोर्स है वो ज्यादा यूज करने मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका भी एक देखो, यहाँ पे एफिशिएंट कोर के बाद यहाँ भी हमको ये सारी चीजें मिलती है देखने के लिए कि ये क्या है। तो ये वही चीज़ है जैसे कि हमारी जो सर्विसेज है वो कितनी स्पीड पे रन कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जो रन करती है उसकी एक स्पीड होती है। तो यहाँ पे एफिशिएंट स्कोर की स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो TDP रहेगा वो ज़्यादा मतलब लेगा। तो यहाँ पे देखो ये 65 वोल्ट्स पे बेस पे रन करेगा, और जगह अगर आप उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो वो 154 वॉट्स तक का चला जाएगा। और यहाँ पे हमको जो मेमोरी साइज मिलती है, मतलब हम कितने GB तक का रैम अपग्रेड कर सकते हैं, तो 128 GB तक का हम रैम अपग्रेड कर सकते हैं। और वहीं अगर हम 8 जनरेशन की बात करें तो 8 जनरेशन में हमको तो 8 जनरेशन में हमको 128 GB मिलेगी, मगर यहाँ पे हम जो उसकी स्पीड है रैम की वो 2666 MHz तक का ही हमको यूज़ करने मिलेगी। और यहाँ पे मैक्सिमम चैनल मतलब कितना रैम स्लॉट होता है ना वो है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम मत ऐसा कुछ नहीं है, आप इधर पे 4 रैम वाला भी मदरबोर्ड रहेगा तो आप 4x4 लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमारे को यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे 2 दिखा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम चला सकते हैं। और यहाँ पे ये प्रोसेसर की खासियत ये है कि ये आपका 4800 MHz तक का सपोर्ट करता है, और आप 3200 MHz वाली 3200 MHz वाला भी रैम चला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ जो आती है कि आपको PCI Express, जैसे अगर आप गेमिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो ये मेन चीज़ है। और यहाँ पे PCI Express लेन लिखा हुआ है, ये 20 है, मतलब अगर आपके पास मदरबोर्ड में सपोर्टेड है 4.0 और 5.0 तो आपका PCI Express वो होता है, जैसे कि आप अपना ग्राफिक्स कार्ड जिसमें बढ़ाते हो उसको PCI Express स्लॉट बोलते हैं। तो यहाँ पे PCI Express स्लॉट जो है वो 4.0 दे रहा है और 5.0 दे रहा है, मतलब आपको जो आपके ग्राफिक्स है वो आप 40 सीरीज का भी डाल सकते हो, 30 सीरीज का भी डाल सकते हो, मतलब इसके प्रीवियस वाले भी सपोर्ट होंगे। हाँ, मैं हमको कॉन्फ़िगरेशन भी देखने मिलता है कि हम यहाँ पे एक ग्राफिक्स कार्ड आराम से बैठा सकते हैं, ये हमारा ग्राफिक्स कार्ड के लिए दिया हुआ है 16 जो है ये हमारा ग्राफिक्स कार्ड है, प्लस 4 मतलब हम यहाँ पे एक और ग्राफिक्स कार्ड भी बैठा सकते हैं। और ये जो दिया हुआ है मोस्टली ये हम अपनी SSD के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो SSD आती है वो NVMe PCI Express के साथ आती है। अगर आप 13 जनरेशन देखेंगे तो उसमें 4th जनरेशन की PCI Express 4 की जो SSD होती है ना वो लगती है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो SSD है तो हमारी जनरेशन 4 की SSD आती है ना जो, वो उसके लिए यहाँ पे हमको PCI Express का ये जो मिल रहा है वो स्लॉट 4 का मिल रहा है। और यहाँ जो लेन है, लेन का मतलब ये होता है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो कितने लेन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे जो हमारे को लेन प्रोवाइड कर रहा है वो 8 लेन प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे हमको जो मैक्स पावर मिलेगी वो 20 की मिलेगी, मतलब यहाँ पे हम दो से तीन ग्राफिक्स कार्ड भी आराम से बैठा सकते हैं और एक SSD लग जाएगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 700 का ग्राफिक्स दिया हुआ है अल्ट्रा HD का, जो हमारे को आउटपुट देगा वो 2.1 का है, 2.1 मतलब हम 4K तक का आउटपुट दे सकते हैं, मतलब HDMI से हम 4K तक का आउटपुट ले सकते हैं, जो 60Hz पे चलेगा, 120Hz पे नहीं चलेगा। हाँ, आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है तो उसकी बात अलग है। और उसके बाद यहाँ पे और भी सारे रेजोल्यूशन है वो आप देख सकते हो, जो आपको 8K तक का रेजोल्यूशन दे देता है ओपन पे। तो यहाँ पे ये 13 जनरेशन हो गया, जो ऑब्वियसली बहुत ऑसम है, बट इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है एज ऑफ नाउ। तो मेरे हिसाब से तो हमको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, और मैं आपको 10th जनरेशन भी बताता हूँ कि अगर आपके पास 10th जनरेशन है
तो 10 जनरेशन आपको लेने की नीड, मतलब 10 जनरेशन से आपको, एक मिनट, और अगर आपके पास 10 जनरेशन है तो 10 जनरेशन आपके पास होने के बाद आपको क्या अपग्रेड करना चाहिए 13 जनरेशन में? तो सिंपल सा आंसर है, नहीं, आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती है, और ऐसा कुछ खास डिफरेंस आपको 10 जनरेशन से ऊपर का देखने नहीं मिलेगा। कैशे मेमोरी अगर आपको नहीं पता, यहाँ पे आप देखेंगे कि कैशे मेमोरी इधर पे 12 है और इधर पे आपको 13 जनरेशन में 20 की मिल रही है। कहाँ गया, यहाँ 24 MB की यहाँ पे कैशे मेमोरी मिल रही है और यहाँ पे 12 MB की, तो इतना कुछ ज़्यादा ये मैटर नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि कैशे मेमोरी काम क्या करता है, कैशे मेमोरी का काम ये रहता है कि जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्राउज़र ओपन किया है, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे और भी कुछ मल्टीटास्किंग करता हूँ, तो मगर मैं जब मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ और उस टास्क को मैं क्लोज करता हूँ, मिनिमाइज नहीं, यहाँ से सीधा मैं क्लोज करता हूँ, और जब मैं उसको रीओपन करूंगा तो वो उसका जो ओपन होने का टाइम है तो वो कम ले, शॉर्ट टाइम मिले, इसलिए वो कैशे मेमोरी ज़्यादा होती है। और अगर आपके पास 12 MB कैशे मेमोरी है तो आप मैक्सिमम टास्क जो है यहाँ पे आपको 12 दिखा रहे हैं, तो एक साथ आप 12 टास्क ओपन कर सकते हो ईजिली, और यहाँ पे वो कैशे मेमोरी भी बराबर से आपको सपोर्ट करके देगी, कुछ इतना ज़्यादा आपका सॉफ्टवेयर मतलब लेता नहीं है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इतना ज्यादा आपका कोई भी मतलब अगर आप ज्यादा है तो अच्छा है, बट इतना मतलब डिपेंड नहीं होता उसके ऊपर, क्योंकि मेरे को लगता है जहां तक का कि मोस्टली जो नॉर्मल लोग होते हैं वो 12 टास्क तो ओपन नहीं करते, मोस्टली वो क्या करते हैं कि मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आप एडिटिंग भी कर रहे हो ना तो 6 टास्क तक का आप ओपन करोगे, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे कैशे मेमोरी का काम यही होता है कि जो आपने टास्क लास्ट ओपन किया था या जो एप्लीकेशन आपने ओपन की थी तो उसका जो मेमोरी रहता है ना वो बस सेव करके रखता है, तो यहाँ पे उसका वही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम 4.30 GHz है और यहाँ पे आपको 4.8 GHz है, तो इतना कुछ ज़्यादा हाई डिफरेंस नहीं है या ह्यूज डिफरेंस नहीं है। हाँ, अभी 13 जनरेशन में एक प्रोसेसर और आया है, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होते जा रही है, मैं सजेस्ट करूँगा आपसे कि ये थोड़ा सा स्पीड में देखना। तो एक प्रोसेसर आया है 13 जनरेशन में, 13 हम सर्च करते हैं तो हमको वो प्रोसेसर दिखाएगा। यहाँ पे एक 13 जनरेशन में प्रोसेसर आया है, 13 जनरेशन में ये P प्रोसेसर आया है, मतलब इसका P का फुल फॉर्म इंटेल ने बताया, परफॉर्मेंस प्रोसेसर है ये। और यहाँ पे आप टोटल नंबर्स ऑफ कोर यहाँ देखेंगे तो ये भी 12 है, परफॉर्मेंस प्रोसेसर देखेंगे तो ये 4 दिया हुआ है, और एफिशिएंट कोर देखेंगे तो 8 दिया हुआ है। मैक्सिमम इसकी जो टर्बो बूस्ट की फ्रीक्वेंसी है ये 4.7 GHz है, और यहाँ पे कैशे मेमोरी आपने देख लिया फिर से कि यहाँ पे 12 MB की कैशे मेमोरी है, और ये स्टैंड बाय वॉट है, मतलब अगर आप इस पर कोई भी मूवी लगा के बैठ गए आपने अपने लैपटॉप पे तो यहाँ पे ये 20 W लेगा, मतलब यहाँ पे आपको मतलब बैलेंस करके दिया, यहाँ पे आपको इंटेल ने क्या करके दिया है ये प्रोसेसर में कि आपका लैपटॉप जो है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम ना करे और कम पावर पे आपको थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस, या जो आपने नॉर्मल एक मूवीज़ वगैरह लगा के रखी है तो उस पर यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देगा 20 W पे। और अगर आप उस पर कोई वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे वो 28 W लेगा, और अगर आप कोई गेमिंग कर रहे हो तो यहाँ पे वो 64 W लेगा। और यहाँ पे इसकी जो रैम सपोर्ट करने की जो ताकत है, या आप अपने लैपटॉप में रैम अपग्रेड कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो यहाँ पे आप 5200 MHz तक का रैम लगा सकते हो DDR5 का, ये सपोर्ट दिया हुआ है, बट लैपटॉप में डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपको पहले से DDR5 मिल रहा है या DDR4 मिल रहा है, तो मोस्टली DDR4 पे मिलता है। DDR4 पे आप मैक्सिमम जो इसकी हर्ट्ज है वो 4800 MHz है, तो 48 MHz तक का आप इसमें अपग्रेड कर सकते हो, और कितना रैम अपग्रेड कर सकते हो 64 GB तक का, मतलब ये लैपटॉप का दिया हुआ है ऑब्वियसली, तो आप इसके अंदर 64 GB तक का अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे बस यही था दोस्तों,
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपको रैम के बारे में जानना है कि रैम कैसे काम करता है और रैम में कौन कौन सी रैम आती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you.
Thanks for watching my video. Don't forget to leave a comment, and also if you want, leave a like.